हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मेरा ऐसे ही आप सभी लोगों से बात करने का मन हुआ, इसलिए मैंने वीडियो ये रिकॉर्ड की है सो दैट मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हो सकूँ। सिर्फ यही एक वे है जिस वे से मैं आप लोग के साथ बात करती हूँ टाइम टू टाइम। देखिए, डेली बेसिस पे तो मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, हम वीडियो सीखते हैं, बट मैं आप लोग के साथ इंटरेक्शन करने का कोई अदर वे नहीं है, इसी वे से ही मैं कर सकती हूँ। तो आज मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी तो वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। एक टाइम की बात है जब मैं एक जगह काम करती थी, तो वहाँ की बातें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो एज अ फीमेल मैंने क्या वहाँ पर फील किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करी, क्योंकि काफ़ी सारे मैक्सिमम जो मेरी वीडियो वॉच करते हैं वो मेल स्टाफ वॉच करते हैं, मेल जो है वो वॉच करते हैं। तो ये जो मैसेज है वो मेल तक मैं पहुंचाना चाहती हूँ, सारे मेल तक। तो मुझे क्या है ना कि मैं ऑफिस जाती थी तो मैं अच्छे से रेडी होके, अच्छे से गेटअप होके, मुझे अच्छे से रेडी होके रहना अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छे से रेडी, देखिए काफ़ी सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि कोई फीमेल रेडी होके अगर ऑफिस जा रही है, अच्छे से गेटअप होके, अच्छे से कपड़े पहन के, अपने हेयर अच्छे से करके, अच्छे से मेकअप वेयर करके जा रही है, तो वो गलत तरीके का सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान को हम एक जैसा नहीं कह सकते, हर फीमेल को हम एक जैसा नहीं कह सकते। हो सकता है कुछ फीमेल का जो अटेंशन है वो अलग हो, बट एवरी फीमेल का हो ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा दिखना, देखिए कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे बन के रहते हैं, कुछ लोग होते हैं वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा बन के रहते हैं। तो दो टाइप के लोग होते हैं। तो यहाँ पे मैं जिस टाइप की हूँ, मुझे खुद को अच्छा दिखना अच्छा लगता है। मैं अगर रेडी होती हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छे तरीके से रेडी होती हूँ, अच्छे गेटअप में रहती हूँ, तो मुझे खुद को अच्छा रखना अच्छा लगता है। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं खुद को इतना प्यार करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान ने हमें बॉडी दी है तो हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप को अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अच्छे तरीके से गेटअप रखना चाहिए। तो इस तरीके से मैं जो रेडी होकर ऑफिस जाती थी वो मैं अपने लिए जाती थी, दूसरों के लिए नहीं जाती थी, दूसरों को दिखाने के पर्पज़ से नहीं जाती थी कि मैं अच्छे से रेडी होकर आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो दो टाइप के लोग होते हैं, तो मैं इस टाइप की हूँ कि मुझे अच्छे से रेडी होकर, अच्छे से रेडी होकर रहना अच्छा लगता है, खुद को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन देखना अच्छा लगता है। तो ऑफिस में जब हम जाते हैं ना, तो कई मेल स्टाफ क्या सोचते हैं कि अलग अलग मैंटालिटी के लोग आते हैं, अलग अलग, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, तो सबकी मैंटालिटी अलग होगी, हर इंसान अपने लेवल पे सोचता है। तो कई सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि ये कितना है ना, कई सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं कि ये कितना मेकअप करके आती है, कैसे आती है। तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, देखिए अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। लड़कियों को अच्छा लगता है मेकअप, हर इंसान की सोच, मैंने अभी आप लोग के साथ शेयर की कि हर इंसान अलग अलग सोचता है। अगर कोई मेकअप लगाता है, अच्छे से रेडी होकर रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसे दूसरों को दिखाना, वो खुद को भी देखना अच्छा पसंद करता है, इसलिए वो अच्छे से रेडी होकर रहता है। तो मेकअप लगाना है, इट डजेंट मीन कि वो पर्सन को आप कमेंट कीजिए कि आप मेकअप लगाते हैं, या फिर जो भी है, इस तरीके का कमेंट्स मत कीजिए। तो आप मेल हैं और फीमेल आपके अराउंड काम कर रही हैं और अच्छे से रेडी होकर आती है, तो अच्छी बात है। आपके अराउंड अच्छे लोग, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन, हाइजीन लोग हैं, तो ये अच्छी बात है। तो कमेंट्स ना किया कीजिए। तो अगर फीमेल हैं तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि घर को छोड़ के ऑफिस में आती हैं काम करने, और अपने आप को अच्छे से वेल मेंटेन रखती हैं, और ऑफिस में भी आके काम करती हैं, घर को भी मैनेज करना होता है। नो डाउट कि मेल जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं हर काम में, बट उनके ऊपर भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसीलिए आप रिस्पेक्ट कीजिए। हमें मेल हो या फिर फीमेल हो, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, हमें दोनों को एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मेल फीमेल का ही रिस्पेक्ट कीजिए, मेल का रिस्पेक्ट ना कीजिए, ऐसा नहीं है। फीमेल का रिस्पेक्ट कीजिए एंड फीमेल को भी मेल का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से, तो आप कमेंट्स मत पास कीजिए कि कोई अगर अच्छे से रेडी होकर आता है तो आप कमेंट्स मत पास कीजिए कि आप इतना मेकअप करती हैं, आप ऐसे आती हैं, वैसे आती हैं, तो इस तरीके का कमेंट्स हमें नहीं करना चाहिए। तो बस यही चीज़ थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपके जो ऑफिस कॉलिंग है वो फीमेल है तो उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप फीमेल हैं और मेल स्टाफ आपके साथ काम करते हैं तो वो आप उनको, आपको भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कीजिए, जहाँ भी आप काम करते हैं ईमानदारी से काम कीजिए, आगे अपनी कंपनी को लेके जाइए, कंपनी आपको आगे लेके जाएगी, इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।